मम्मी किचन में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और ट्राई कर रहे होंगे। आज हम आपको एक नई चीज़ बनाना बता रहे हैं जिसका नाम है पिज़्ज़ा पॉकेट। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है चिकन का कीमा है तकरीबन आधा किलो, पिज़्ज़ा ब्रेड है, ये बाज़ार की पिज़्ज़ा ब्रेड है, ये इंशाल्लाह हम आपको बनाना भी सिखाएंगे, केचप और मायोनीज है, ये दोनों हम इस्तेमाल करेंगे, ये मिक्स हर्ब है, ये सब्ज़ियाँ हैं, एक हरी शिमला मिर्च है, एक गाजर है, तो आधी बंद गोभी इनको हमने लंबाई में काट लिया है सब, एक चम्मच कुटी मिर्च है, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच गरम मसाला है, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 चम्मच। ये हमने जो सामान है हमारा ये 5 पिज़्ज़ा ब्रेड के पॉकेट्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा बनाना हो तो आप उसके हिसाब से चीज़ें आगे पीछे कर लीजिएगा। अब हम इसकी फिलिंग के लिए पहले कीमा तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल के उसमें पहले कीमा डाल देंगे और उसको हल्का हल्का हिला के अब इसके अंदर हम बाकी और तमाम मसाले भी डाल देंगे। ये पिज़्ज़ा गरम मसाला, काली मिर्चें, ऐसे मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये बच्चे भी शौक से खाते हैं तो भी उनके लिए मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम इसे नॉर्मल मिर्चें डाल रहे हैं। नमक अभी थोड़ा सा इसको रखेंगे, इसको भूनेंगे। अभी चिकन का कीमा है तो फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसके अंदर अब ये डाल देंगे चिली सॉस और सोया सॉस, इसको ढक के 2 मिनट पकने देंगे। ये देखिए कीमा खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम एक चम्मच केचप डाल देंगे और ये जो मिक्स हर्ब हमने रखी थी वो अच्छी तरह फैला के डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे और बस ही हमारा कीमा तैयार हो गया। ये देखिए कीमा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। एक पैन में हम बिल्कुल हल्का सा तेल डालेंगे और उसको अच्छी तरह फैला लेंगे और इसके अंदर हम पिज़्ज़ा ब्रेड को दोनों साइडों से सेक लेंगे। ये इसको हल्की आग में, मीडियम में, पहले ज़्यादा तेज़ आग में करेंगे फिर हल्की आग में दोनों साइडों से अच्छी तरह सेक लेंगे। ये देखें एक तरफ से सिक गई अच्छी तरह। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेक लेंगे। दूसरी तरफ से भी सिक गई है, अब हम इनको दोनों सब इसी तरह सारी रोटियां सेक लेंगे। ये देखें हमारी सारी पिज़्ज़ा ब्रेड सिक गई है, अब हम इनको 2 हिस्सों में काट लेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो इसमें देखें आपको एक पॉकेट से नजर आ रहा है ये इस तरह। अब इस पॉकेट के अंदर अब हम इसको असेंबल करेंगे तो ज़रा इसमें थोड़ा एहतियात से करना पड़ेगा, टूटने लगती है। अब ये खोल के इसके अंदर पहले मायोनीज डालेंगे, जो भी मायोनीज आपके पास हो आप डाल सकते हैं। इससे हम इसलिए डाल लें कि वो अंदर तक चला जाएगा, आप चाहें तो चमचे से भी लगा सकते हैं, इसको आप किसी स्पैचुला से फैला दें। इसके अंदर हम कीमा डालेंगे, कीमों को भी स्पैचुला से अच्छी तरह फैला दें, ये फट जाती हैं जल्दी से, तो ज़रा आप एहतियात से चीज़ें लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम ये वेजिटेबल्स डाल देंगे, जितना आपको पसंद हो उसके हिसाब से डाल लें। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा केचप डाल देंगे। ये सब चीज़ें आप जो जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप डालते हैं। इस तरह हम सारे पॉकेट्स को फिल कर लेंगे। ये देखें हमने सारे पिज़्ज़ा ब्रेड पॉकेट तैयार कर लिए और ये देखने में देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कीमा अंदर जो भरा है हमने और सब्ज़ियाँ, इसकी वजह से इसका बहुत उम्दा जायका है। ये घर में सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे, आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं और टी टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेहमान आए आप उनको फटाफट बना के दे दें, घर में पिज़्ज़ा ब्रेड रखी हो तो। ये सबको बहुत पसंद आएंगे, बहुत हेल्दी मज़ेदार
डिश है और आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें और इनबॉक्स में कमेंट्स करें। अच्छा खाएं, अच्छा खिलाएं और खुश रहें।